जिलाधिकारी को दी थी डिजिटल सेना ने सूचना। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने मारा छापा, दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली अवैध खनन करते पकड़। पीलीभीत पूरनपुर क्षेत्र में अवैध तरीके से मिट्टी का खनन होने की सूचना डिजिटल सेना ने जिलाधिकारी डॉ अखिलेश कुमार मिश्र को दी, जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनुराग सिंह पूरनपुर थाना के मोहम्मदपुर पिपरिया गांव के पास भारी पुलिस फोर्स और राजस्व टीम के साथ खेत पर पहुंचे, जहां खनन के लिए खेत पर मिट्टी ढुलाई के लिए एक दर्जन से अधिक ट्रालियां खड़ी थी, जिन्हें सीज कर दिया गया है। टीम को देखते ही भागने लगे खनन माफिया। जैसे ही नायब तहसीलदार अनुराग सिंह राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ खेत पर पहुंचे तो यह देखकर कुछ चालकों ने भागने के लिए ट्रैक्टर दूसरे खेतों की ओर भगा दिए। इस पर नायब तहसीलदार ने कोतवाल पूरनपुर के तिवारी को सूचना देकर और फोर्स भेजने को कहा। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। टीम ने पुलिस की मदद से दौड़ाकर ठहर तीन ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ लिया। नायब तहसीलदार की अगुवाई में सभी ट्रैक्टर ट्रालियों को हरिपुर रेंज पुलिस चौकी ले जाया गया, लेकिन रास्ते में एक जगह भीड़ भाड़ होने का फायदा उठाते हुए दो चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गए। टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। नायब तहसीलदार ने बताया कि खनन करने की मशीन खराब होने से सभी वाहन उसके आने का इंतजार कर रहे थे। 11 ट्रैक्टर ट्रालियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जल्द ही भागने वाले चालकों को पकड़वा कर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिप निकाल ली। पता नहीं कौन सी जगह है, शेरपुर के पास है कहीं, ठीक है, मामतपुर के पास, मामतपुर के पास। ठीक हरिपुर चौकी सतीश नहीं हरिपुर सही है, वहाँ सही है जगह बहुत है। तेरह ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई, कुछ एक दो वहाँ से भाग गए थे, ताकि उनको लेके हरिपुर पुलिस चौकी में पुलिस के सुपुर्दगी कर दिया गया। और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही अपर जिला अधिकारी महोदय के यहाँ भेज दी जाएगी अग्रिम कार्रवाई के लिए। सर जो भागे हैं कुछ पता लग रहा है कौन है किसका? उनका पता लगाया जा रहा है, शीघ्र ही पता लग जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर सुना जा रहा कुछ ड्राइवर वगैरह भी पकड़े गए? दो तीन ड्राइवर पकड़े गए थे, उनसे लिखित करवा के उनको छोड़ दिया गया, बाकी गाड़ियां जब्त कर दी गई हैं।